Assalamualaikum dear students, welcome to Shahbrook Educational Channel. So dear students, in today's class of subject English, जो topic हम review कर रहे हैं उस topic का नाम है Poem A Nation's Strength. So today we are reviewing the MCQs of the poem A Nation's Strength. तो बढ़ते हैं statements की जानिब और देखते हैं कि क्या क्या MCQs आपके पास मौजूद हैं. So statement number one is the poem A Nation's Strength is written by. ये जो poem है A Nation's Strength उसको किसने लिखा है. Options आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जूलिया कार्नेम, रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन, राल्फ वेल्डो इमर्सन, नन ऑफ दीज. तो ये जो poem है A Nation's Strength इसको लिखा है option C यानी के राल्फ वेल्डो इमर्सन ने. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि आपको दी गई है वो है पोएम अ नेशंस स्ट्रेंथ वाज रिटन इन. इस पोएम को कब लिखा गया. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए 17th सेंचुरी, ऑप्शन बी 18th सेंचुरी, ऑप्शन सी 19th सेंचुरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया तो नहीं हुआ कि कौन सी सेंचुरी में ये लिखी गई है पोएम, लेकिन जो कि इसमें ईयर्स दिए गए थे पोइट के, जो कि बर्थ ईयर और डेथ ईयर थे वो 18th सेंचुरी के थे. दैट्स वाई ये जो पोएम है इसका जो रिटन सेंचुरी है वो भी 18th है. तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस स्टेटमेंट का. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग. ये आपको पूरी एक लाइन दी गई है पोएम की. तो पूछा गया है कि ये जो लाइन है पोएम की ये कौन सी पोएम की लाइन है, तो आपने पोएम का नाम बताना है. ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, अ नेशंस स्ट्रेंथ, कासा बियांका, स्पीक जेंटली, नन ऑफ दीज. तो ये पोएम जो है उसका नाम है अ नेशंस स्ट्रेंथ. तो इस पोएम की ये लाइन आपको दी गई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नॉट डैश बट ओनली मैन कैन मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. कह रहे हैं कि वो नहीं बना सकता लेकिन सिर्फ लोग हैं जो कि बना सकते हैं अपने और नेशन को ग्रेट, अजीम और स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सकते हैं. तो क्या चीज़ नहीं बना सकती. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, नन ऑफ दीज. तो कौन सी चीज़ है जो कि आपके मुल्क को मजबूत, ताकतवर नहीं बना सकती. तो ये भी पोएम की लाइन है जो कि हमने कंप्लीट करनी है. तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी यानी गोल्ड. सो ये लाइन कंप्लीट होगी इस तरीके से, नॉट गोल्ड बट वेल बट ओनली मैन कैन मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू अ नेशंस स्ट्रेंथ. ये जो पोएम है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रेव मैन डैश वाइल द रेस्ट ऑफ द पीपल स्लीप. जो ब्रेव मैन है, जो बहादुर लोग हैं, वो क्या कर रहे होते हैं जबकि बाकी के लोग उस टाइम पर सो रहे होते हैं. तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए स्टैंड फास्ट, बी वर्क, सी फ्लाई, डी नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्रेव मैन वर्क व्हेन द रेस्ट ऑफ द पीपल स्लीप. के बहादुर लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या दी गई है आपको.
ब्रेव मैन डियर, डियर का मतलब सामना करना, हर चीज़ का मुकाबला करना, वाइल अदर्स, जबकि दूसरे क्या कर जाते हैं, बहादुर लोग मुकाबला करते हैं, डट कर सामना करते हैं इस चीज़ का, जबकि दूसरे लोग, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए स्टैंड फास्ट, बी वर्क, सी फ्लाई, डी नन ऑफ दीज। तो बाकी लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, तो भाग जाने के लिए यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है फ्लाई। फ्लाई का मतलब है रन अवे या पीठ फेर के भाग जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को नुकसान पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वेयर डू ब्रेव मैन लिव द नेशन, बहादुर लोग अपने नेशन को कहाँ तक लेकर जाते हैं, अपने कौम को कहाँ तक लेकर जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं टॉप पोजीशन, स्काई, पिलर, नन ऑफ दीज। तो कहाँ लेकर जाते हैं, ये भी पोएम की लाइन थी कि ब्रेव मैन लिव द नेशन टू द स्काई, कि वो आसमान की बुलंदियों पर अपने मुल्क को लेके जाते हैं ताकि उनका मुल्क उनकी वजह से प्राउड फील करे और दुनिया में अपने मुल्क को रिकॉग्नाइज करवा रहे होते हैं थ्रू देयर ओन पर्सनालिटी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एमसीक्यूज पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। चल देर अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।